नीतीश कुमार के एनडीए के 220 सीट जीतने के सपने पर प्रशांत किशोर का कटाक्ष, बोले जदयू अगले चुनाव में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी सबक सिखाएगी। पीके जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा कर रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए 220 सीटें जीतेगा। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू एनडीए के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ, अगले चुनाव में उन्हें 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो है नीतीश कुमार। जनता नीतीश के अफसर राज से परेशान है। भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें उठा नहीं सकता, लेकिन नियति ने भी ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके चलते भाजपा के लिए मजबूरी हो गई है कि उन्हें अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ना होगा और नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। जनसुराज पार्टी के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को चुनौती दी है कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो अगला चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़े, और अगर ऐसा हुआ तो जो 2020 के चुनाव में जेडीयू के साथ हुआ वही इस बार जदयू के साथ साथ बीजेपी के साथ भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के बच्चों की चिंता करने की बजाय भाजपा ने दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर दिया, जबकि बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगले चुनाव में जनता जदयू और बीजेपी दोनों को सबक सिखाएगी। चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी, और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार है आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे, और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है, दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं